रविवार को खजुराहो पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और क्षेत्रीय सांसद बीडी शर्मा ने पिछले दिन छतरपुर में हुई पत्थरबाजी की घटना पर प्रतिक्रिया दी है। श्री शर्मा ने कहा कि थाने के ऊपर पथराव करना खुलेआम कानून को चुनौती देना है। हमारे सुरक्षा तंत्र को भेदने का प्रयास करना निश्चित रूप से एक सुनियोजित षड्यंत्र हो सकता है। उन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को धन्यवाद दिया। साथ ही छतरपुर जिला पुलिस और प्रशासन की तारीफ करते हुए कहा कि छतरपुर पुलिस प्रशासन ने इस कार्रवाई के साथ ये बता दिया कि छतरपुर में इस तरह की साजिशों को नाकाम किया जाएगा। बहुत गंभीर विषय है और इन विषयों को किसी को न मजाक में लेना चाहिए न किसी को किसी चश्मे से देखना चाहिए। थाने में अंदर घुस करके सीधे पुलिस प्रशासन पर हमला करना एक बड़ा चैलेंज था और जिसका संदर्भ न छतरपुर से न बुंदेलखंड से न मध्य प्रदेश से किसी को लेना देना नहीं। क्यों हुआ भाई? और इस प्रकार की घटना करके सुरक्षा के तंत्र को भेदना ये कोई न कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। देश की सुरक्षा में छतरपुर को उन्होंने चुना ये और चिंता का विषय है कि हमारा क्षेत्र तो बड़ा शांति का टापू है, यहाँ तो किसी प्रकार की चीज ऐसी होती नहीं है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने इस प्रकार की घटना की। इसका अर्थ यह है कि अपने इस क्षेत्र को उन्होंने साइलेंट जोन माना है। इस प्रकार की देश विरोधी ताकतें हैं ये जो देश के खिलाफ काम करना चाहती है। उन्होंने टेस्ट किया, लेकिन मुझे गर्व है मेरे मुख्यमंत्री पर, मुझे गर्व है मेरे पुलिस और जिला प्रशासन पर कि जिन्होंने तत्काल इस प्रकार के देश विरोधी ताकतों का मात्र जवाब नहीं दिया, इनको डिस्ट्रॉय करने का काम किया और करेंगे, ऐसे लोगों को नहीं छोड़ेंगे। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी और प्रियंका गांधी द्वारा कार्रवाई पर ट्वीट के माध्यम से खड़े किए गए प्रश्न निरर्थक हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सहित कुछ तथाकथित लोग तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि पत्थरबाजी की पूरी घटना की गंभीरता से जांच होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण था ऐसे लोगों को तत्काल ब्रेक करना। इसके बारे में ऐसा मानता हूँ कि चाहे व्यापारी हो, चाहे वो कौन है, क्या बनते हैं वो शहर के सदर जो सदर और फदर हम सब बना देंगे, अब ये यहाँ दुनिया नहीं चलेगी। कहां से आपके पास इतनी संपत्ति आई? हम इस मंदिर में आना चाहते हैं तो हमें मंदिर में आने के लिए चार कानून के तहत हमें परमिशन लेना होती है, और ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है बिना परमिशन के हम बना लेंगे, और फिर उस पर ओवैसी भी बोलेंगे, प्रियंका गांधी भी बोलेंगी, और मुझे तो लगता है कि ये जो चले गए उनको भी कहेंगे तुम भी बोलो। तुष्टीकरण की राजनीति ये कांग्रेस और तथाकथित लोग कर रहे हैं। हम अपने क्षेत्र में इस बुंदेलखंड में छतरपुर जैसे जिले में, ये खजुराहो हमारा दुनिया का पर्यटकों का केंद्र है, इसलिए ऐसे स्थानों पर इस प्रकार की चीज़ों को न होने देंगे। कानून ने काम किया और गहराई से इसकी जांच होगी, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो सदर हो या कोई हो, इनकी गहराई के साथ जांच होगी ये क्या कर रहे थे और कौन सा नेटवर्क इनके साथ जुड़ा है, इसकी गंभीरता से चिंता शासन प्रशासन का।